हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13th of March को हम लोग तीन आर्टिकल डिस्कस करेंगे और आज के तीनों आर्टिकल यार बेहद इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड। हमने ऑलरेडी थ्री स्टेजेस प्रोग्राम देख चुके थे, इंडिया सेकेंड स्टेज में आ चुका है। अब न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है और उसे हम किस तरीके से डिस्पोज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल प्योर मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्या क्या इश्यूज आते हैं इसके डिस्पोजल में, ये सारी चीज़ों पे भी चर्चा की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड गेंस। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ इंडिया ने रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। EFTA कंट्री कौन कौन सी होती है और FTA के क्या बेनिफिट्स होंगे इंडिया को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। FTA के बारे में मेंस और FTA दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, FTA के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल है द CAA रूल्स अनपैक्ड, ये इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स सरकार ने फाइनली नोटिफाई कर दिए हैं पूरे 4-4.5 सालों के बाद, तो रूल्स क्या हैं उसको समझेंगे। इसके अलावा NPR, NRC इन कंसेप्ट को गहराई से समझेंगे, इस बार प्री में पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा आर्टिकल समझ में आ रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हाउ इज़ न्यूक्लियर वेस्ट जनरेटेड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से हाईली इंपॉर्टेंट है। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत चांसेस हैं इस बार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आए। उसके रीज़न ये है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिपीटेटिव थीम है, हर अल्टरनेट ईयर में एक ना एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। पहले तो लगातार पूछे गए हैं 2015, 16, 17, 18, 19, आप देखेंगे हर साल एक ना एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा था। अभी थोड़ा कम कर दिया गया है, एक अल्टरनेट ईयर में दिख रहे हैं। इस बार काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अभी रिसेंटली हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, इंडिया के जो थ्री स्टेज प्रोग्राम है उसके बारे में चर्चा की थी। इंडिया ऑलरेडी सेकेंड स्टेज पर पहुंच चुका है और पूरा प्रॉपरली मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अब जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसके बारे में बात की जाएगी, किस तरीके से हम न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होती हैं और इंडिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्या क्या इश्यूज आते हैं इस पे भी बात करेंगे, तो मेंस एस्पेक्ट और प्री एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे इस आर्टिकल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज़ अच्छे से इसे ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक, तो कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट वही है जो रिसेंटली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप इंडिया ने डेवलप कर लिया है, सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका है और ये इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है यार। ठीक है, मैं इस पर ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दूसरा न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड सवाल बन सकता है, वो हम लोग कवर करेंगे। न्यूक्लियर वेस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो न्यूक्लियर वेस्ट में क्या आता है, जो फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, बर्न होने के बाद वो फ्यूल को कहीं ना कहीं तो आपको डिस्पोज करना पड़ेगा और ये जो फ्यूल होता है इसमें बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होती है, तो इस फ्यूल को डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो फिसनेबल मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, U-233, U-235 एंड Plutonium-239, ये आपके फिसनेबल मटेरियल है, ये एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं और फिर जलाने के बाद इसका जो वेस्ट होगा उसको आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं और जो एटम होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, डीस्टेबलाइज होता है और कई सारे एलिमेंट्स में ब्रेक होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है यूरेनियम-235 को, जब भी हम न्यूट्रॉन उस पर बम्बार्ड करते हैं तो ये ब्रेक होगा बेरियम-144 में, क्रिप्टॉन-89 में और 3 न्यूट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बेसिकली जो बेरियम-144 है, क्रिप्टॉन-89 है, ये सब तो क्या होंगे, वेस्ट ही कहलाएंगे, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूक्लियर वेस्ट कहलाते हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं और इसलिए किसी भी तरीके से लीकेज ना हो इसलिए इसको प्रॉपरली क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। ठीक, अब अपन लोग डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में समझेंगे, किस तरीके से हम डिस्पोज करते हैं। तीन तरह के वेस्ट होंगे, ठीक, हमने तीन भागों में वेस्ट को डिवाइड कर लिया है। पहला है एग्जम्प्ट वेस्ट, ये उस तरह के वेस्ट होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है और इसको नेचुरल एनवायरनमेंट में डंप कर दिया जाता है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट क्या होते हैं, लो ऑब्लिक इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक, तो ये जो है
इंटरमीडिएट लेवल जो है इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, हाई इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन इंटेंसिटी काफ़ी रहती है, इतनी रहती है कि अगर आप इस आपको अगर एक्सपोजर होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट होता है हमारा हाई लेवल वेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी और बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पहला तो हमारा हो गया कि इसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट में ही डंप कर देंगे। दूसरा बात करते हैं लो एंड इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट की, ठीक। ये वो वेस्ट होते हैं जिसमें हाफ साइकिल क्या होती है, शॉर्ट होती है, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी ये वो एलिमेंट्स होंगे जिसकी हाफ साइकिल बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हाफ साइकिल मतलब 40 साल 50 साल बाद ये पूरे तरीके से डीके हो जाते हैं। तो इन लोगों को क्या करेंगे, इन लोगों को आप कुछ समय के लिए अंदर रख देंगे बंद करके एक एनवायरनमेंट में, और धीरे धीरे अपनी रेडियो एक्टिविटी को ये लूज़ करते जाते हैं। शॉर्ट टाइम में ये रेडियो एक्टिविटी लूज़ कर देंगे, उसके बाद अब इन्हें एनवायरनमेंट में कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होगा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अगर सॉलिड वेस्ट है तो आप उसको ऑन साइट डिस्पोज करते हैं, ठीक, साइट पे ही कर देंगे, सरफेस पे ही आप इसको डिस्पोज कर देंगे। दूसरा क्या है, अगर लिक्विड वेस्ट है तो सबसे पहले लिक्विड वेस्ट को डाइल्यूट किया जाता है ताकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल हो पहले वो कम हो सके और रेडियो एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, हम इसके थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद एक कंटेनर में उसको कई डिकेड्स तक रखा जाता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट किया जाता है उस वाटर का, और उसके बाद उसको आप एनवायरनमेंट में वापस क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, लिक्विड को आप कायमे कन्वर्ट कर दीजिए सॉलिड वेस्ट में और फिर इस तरीके से आप डिस्पोज कर दीजिए। रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कशन भी किए थे, फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसका जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर लिया गया है और अब उसको पैसिफिक ओशन में छोड़ा जा रहा था, ठीक है, उसको डिस्पोज किया जा रहा था। तो बहुत सारी कंट्रीज उसका ऑब्जेक्शन दे रही है कि उसमें अभी भी हो सकता है रेडियो एक्टिविटी क्या हो, अभी भी बची हुई हो। हालांकि जापान गवर्नमेंट बोल रही है कि उसमें अब कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है और वो सेफ है, उसे डिस्पोज किया जा सकता है ओशन में। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड हो सकता है गैस, है ना। तो मान लीजिए कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं, उसको हम एब्जॉर्बर्स के थ्रू पास कराएंगे, स्क्रबर को यूज़ करते हैं, जो पॉल्यूशन वाले जो पार्टिकल्स होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो बची हुई गैस होगी उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा एयर में। तो ये तीन तरीका होता है हमारा, किसका, लो एंड इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट को डिस्पोज करने का। नेक्स्ट क्या है आपका, हाई लेवल वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल वेस्ट कौन से होते हैं, जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, इसका मतलब डीके ही नहीं होते, इनकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म ही नहीं होती, कई दशकों तक के ऐसे ही पड़े रहेंगे, है ना। आपकी लाइफ आने वाले कुछ जनरेशन निकल जाएगी पर इनकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म नहीं होने वाली, और बहुत ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसको किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है, थ्रू विट्रीफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लास है उसमें इन्फ्यूज़ किए जाते हैं रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट होता है उसको हमने एक प्रॉपरली टाइल्स बनाई और उसके बीच में इन पार्टिकल्स को क्या कर दिया, अंदर इन्फ्यूज़ करके रख दिया। अब ये इमोबलाइज पार्टिकल होंगे और इनको 30-40 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, ठीक। 30-40 साल तक ये कहाँ रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे। इसकी फैसिलिटी ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है इंडिया में, तारापुर में है, कलपक्कम में है और बार्क ट्रॉम्बे में है, ठीक। यहाँ पर ये विट्रिफिकेशन फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंडिया में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल रिपोजिटरी, ठीक। अब ये तो हम ऑन सरफेस कर रहे हैं, इन्हीं जो विट्रिफाइड टाइल्स है इनको 30-40 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद एक डीप वेल डेवलप की जाती है और नीचे अंडरग्राउंड सरफेस पर प्लेस कर दिया जाता है। जो प्लेस होगा, है ना, जो जियोलॉजिकल रिपोजिटरी का, उसको हम किस बेसिस पे वो करेंगे, चूज करेंगे, एक तो टेक्टोनिक एक्टिविटी जोन नहीं होना चाहिए ये, और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर नहीं होना चाहिए इसमें, अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर ये टाइल्स फूट जाती है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंदर चले भी जाते हैं तो फिर किसी तरीके से ग्राउंड वाटर को खतरा नहीं होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा जो इशू आता है इस प्रॉपर पूरी डिस्पोजल मेथड में वो ग्राउंड वाटर का ही इशू आता है कि बेसिकली जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, ये पब्लिक का जनरली कंसर्न होता है। दूसरा जो इशू आता है वो है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बहुत कॉस्टली पड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे,
जनरली न्यूक्लियर जो वेस्ट होते हैं वो क्लीन वेस्ट होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी तो होती है पर एज सच कोई पॉल्यूशन नहीं कर रहे होते हैं, तो ये जनरली क्लीन वेस्ट कहलाते हैं, पर ये इसकी प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म होती है। ये सारी चीज़ों का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके जो रीप्रोसेसिंग प्लांट है, जो विट्रिफिकेशन प्लांट है, वो कहाँ कहाँ है? ट्रॉम्बे में, तारापुर में और कल्पाक्कम में। प्लीज़ ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है कि तारापुर में कितने हैं। तारापुर में दो हैं जो कि रीप्रोसेस कर सकते हैं 100 THM पर ईयर ऑफ फ्यूल फ्रॉम सम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर ऑफ स्टेज वन। ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिया, इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रेड गेंस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से हाईली इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर आया हुआ है। ठीक, तो आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया रिसेंटली बहुत ज़्यादा साइन कर रही है, तो क्या इसके बेनिफिट्स होंगे और क्या चैलेंजेस होंगे, क्या इश्यूज होंगे, इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आपको दिखेगा इस बार 2024 में, बिल्कुल आ सकता है। इसके अलावा और क्या आ सकता है? आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है FTA के बारे में, FTA से रिलेटेड चीज़ें आ सकती है, जो इंडिया साइन कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उससे रिलेटेड चीज़ें आ सकती है। 2023 में एक क्वेश्चन आया था FTA से रिलेटेड, है ना, अभी हम डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन था। ठीक, उस समय पता नहीं चला था कि ये कैसे आ गया और कहाँ से आया, लेकिन अब जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं UPSC में। ठीक, तो प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। ए और बी की बात कर लेते हैं। ए कोई भी कंट्री हो सकती है, बी भी कोई कंट्री हो सकती है, बी कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकते हैं, कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो ए मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं इंडिया, और बी यूरोपियन यूनियन हो सकता है या फिर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है या फिर UK हो सकता है। सिंगल कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्री के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, तो ये सबसे पहला। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, ए अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है किसके बीच में, इंडिया और सपोज US के बीच में या फिर UK के बीच में, तो क्या होगा, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो लीवी अट्रैक्ट करेगा, जो कस्टम ड्यूटी होगी, वो कितनी होगी, क्लोज टू ज़ीरो होगी ऑलमोस्ट सारे आइटम्स में। इसके अलावा जो इंडिया इंपोर्ट करेगा उसमें भी कस्टम ड्यूटी ऑलमोस्ट क्लोज टू ज़ीरो होगी। ऐसे कई सारे आइटम हैं US से जो आते हैं वो उसमें हम 100% कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। हार्ले डेविडसन 5 लाख की आती है, यहाँ पर आती है तो 10 लाख 15 लाख की हो जाती है, उस पर 100-200% कस्टम ड्यूटी लगता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो फिर सब तो ज़ीरो हो जाना है, पूरा का पूरा आपका जो भी टैक्स कस्टम ड्यूटी लग रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर वो 5 लाख में ही बिकेगी। किसको बेनिफिट मिल रहा है, कंज्यूमर को। एक तो कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिलेगी, प्लस चीज़ें भी सस्ती मिलेगी, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गेन। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है, कंज्यूमर्स को गेन होता है, उन्हें वैरायटी मिलती है और कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, सीमलेस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जो इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लॉसेज होते हैं, वो भी कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए कि स्विट्जरलैंड में कोई चीज़ बहुत सस्ती बन रही है और इंडिया में महंगी बन रही है, तो हम उसे महंगे में खरीद रहे हैं और वो फैसिलिटी चल भी रही है, है ना, उसमें कहीं ना कहीं लॉ आप जो है उसे महंगा में बना रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे होंगे जिससे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पा रहे। मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करते तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस कर रहे हैं। इसलिए जो है आप इंडिया में जो महंगी चीज़ बन रही है उससे ओवरऑल अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उसका नुकसान होगा। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ सस्ती मिल रही है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपरली यूज़ हो रहा है, वहाँ से इंडिया में उसको इम्पोर्ट कर लेंगे और उसी को आप कंज्यूम करेंगे। तो बेसिकली अगर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी जो ट्रेड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए WTO हमेशा चाहता है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है वो बहुत जो है आसानी से हो, सीमलेस हो, जितने भी बैरियर्स हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर उसको हटाया जाए। इसका मतलब FTA को अगर हम देखें या फिर जितने भी रीजनल ब्लॉक जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ट्रेड रिलेटेड, वो सारे के सारे WHO से अलाइन होते हैं, मतलब वो WHO उन सारे एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करता है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, समझते हैं FTA न्यूज़ में क्यों है। जो करेंट गवर्नमेंट है वो एक्टिवली परस्यू कर रही है ट्रेड एग्रीमेंट्स। रिसेंटली उन्होंने इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। CEPA किसके साथ साइन किया गया है, UAE के साथ। CEPA का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर आपको CEPA आता है कि किस किस के साथ साइन हुआ है,
तो प्लीज़ आप ऑस्ट्रेलिया ऑप्शंस में नहीं लगाएंगे। उसके साथ जो साइन हुआ है इसका नाम क्या है, ECTA। ECTA श्रीलंका के साथ भी साइन किया गया है। CEPA जापान के साथ इंडिया ने साइन किया है, सिंगापुर के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है। तो ये दोनों अलग अलग नाम हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन अलग अलग फ्रेमवर्क है। इस तरह का फ्रेमवर्क जिसके साथ साइन किया है वो सारी कंट्री CEPA में आएगी। ECTA में एक अलग सर्टेन फ्रेमवर्क है, उसके थ्रू नेगोशिएशन के थ्रू ये फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं और डिसाइड किया जाता है कि कौन से आइटम्स हैं जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे। तो ECTA का अलग फ्रेमवर्क है तो दोनों ही फ्री ट्रेड, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन दोनों ही फ्रेमवर्क अलग है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर CEPA पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया आंसर नहीं आएगा। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो सरकार जो है बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है और कई सारी कंट्रीज़ के साथ, ब्लॉक के साथ ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नेगोशिएशन चल रहा है। अभी पेंडिंग है लेकिन नेगोशिएशन चल रहा है। जैसे कि UK के साथ काफ़ी समय से नेगोशिएशन चल रहे हैं, अभी पेंडिंग है। EU के साथ भी जो है हमारे नेगोशिएशन 2007 से चल रहे हैं। 2007 में जो है हमने नेगोशिएशन शुरू किए थे। BTIA के बारे में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है UPSC प्रीलिम्स में। इसका मतलब अगर नेगोशिएशन चल रहे होते हैं, न्यूज़ में होता है, तब भी आपको आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो साइन होगा तभी आएगा, ठीक। तो BTIA के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये किसके बीच में हो रहा है नेगोशिएशन? इंडिया और EU के बीच में नेगोशिएशन हो रहे हैं, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सरकार ने एक और ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। इसमें चार कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्री है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिचेस्टीन, ठीक। ये चार कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का पार्ट है और इंडिया ने इनके साथ FTA साइन किया है। अब बेसिकली बेनिफिट्स क्या होंगे? तो यार बेनिफिट्स तो ये होंगे कि जो FDI है वो बहुत ज़्यादा आने वाले सालों में बढ़ेगा, ठीक है। ये FTA ने कहा है कि वो इंडिया में FDI इंक्रीज करेंगे। अगले 10 सालों में 50 बिलियन के आसपास जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और उसके नेक्स्ट 5 ईयर में 50 बिलियन के आसपास। ऑब्वियसली अगर FDI आ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, इंडिया की GDP भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, डायरेक्टली जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया को और क्या बेनिफिट्स होंगे? यार प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो भी बढ़ेगा, है ना। इंडिया जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 0% टैरिफ लगेगा, तो ओवरऑल जो हमारे प्रोडक्ट हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी हाई होगा और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी, और प्रोडक्शन भी तो एम्प्लॉयमेंट भी एंड GDP एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या है? जो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं उसको इस डील से बाहर रखा गया है। तो जो किसानों के साथ जो जनरली एक इश्यूज होता है कि किसान को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एकदम सस्ता वीट राइस बाहर से आने लग जाए तो किसान को नुकसान हो सकता है, उनकी इनकम खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर आइटम्स होते हैं जनरली इंडियन गवर्नमेंट उसे डील से बाहर रखने की कोशिश कर रही है, जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर एंड देयर इनकम। इसके अलावा क्या बेनिफिट? टेक्नोलॉजी नो हाउ, यार ऑब्वियसली जब बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा, बाहर से कंपनी आएगी, MNCs आएंगी, तो टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव होगी ही इंडिया में। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड है वो भी रिड्यूस हो सकती है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ गोल्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक। कॉस्ट ऑफ गोल्ड रिड्यूस क्यों होगी? स्विट्जरलैंड इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इस चारों कंट्री की अगर हम बात करें उसमें, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है स्विट्जरलैंड के साथ में। क्यों है? क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड इम्पोर्ट करता है, ठीक। पिछले बार 2023 में यही क्वेश्चन आया हुआ था और उस समय नेगोशिएशन सोचो चल रहे थे। जब चीज़ें नेगोशिएशन चल रहे होते हैं तब भी सवाल आता है आपको, इसी तरह का क्वेश्चन इसलिए इस बार भी पूछा जा सकता है। तो 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो इसी से रिलेटेड था, ठीक। तो इंडिया का जो गोल्ड इम्पोर्ट होगा वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब जो कस्टम ड्यूटी होगी वो कम लगाई जाएगी, तो हम लोगों को है ना थोड़ा गोल्ड भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि सस्ता मिले। और इसके अलावा जो कंज्यूमर गेन होगा ओवरऑल, जो हमने बात की थी, FTA जब भी साइन करते हैं तो कंज्यूमर को गेन होता ही होता है। डेड वेट लॉस नहीं होते हैं, ट्रेड क्रिएशन होता है, ट्रेड डाइवर्जन नहीं होता है, ये सब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कंज्यूमर गेन का मतलब क्या है? वैरायटी मिलेगी, मल्टीपल टाइप ऑफ, आपको एक ही आइटम के अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग कॉस्ट मिलेगी, अलग अलग क्वालिटीज मिलेगी, क्योंकि आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं लग रहा है, कस्टम ड्यूटी भी नहीं लग रही, टैरिफ भी नहीं लग रहा है, तो सस्ते में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? बेनिफिट्स हो जाएंगे। और ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल है ना। एक पॉइंट इसमें ये भी है
इंडिया को बेनिफिट ये भी है कि जो सर्विस सेक्टर है उस पर भी डील हुई है। इसका मतलब यहाँ से अपने यहाँ से जो लेबर होंगे सर्विस सेक्टर वाले है ना, आईटी सेक्टर वाले, वो ईएफटीए कंट्री में जाकर जॉब ही कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी एक्सपोर्ट है उसको भी बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भी बहुत पुश मिलेगा क्योंकि नॉन टेरिफ बेरियर भी इसमें कम कर दिए गए हैं और ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए हैं। जनरली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, ईएफटीए की कंट्री इंडिया के जो प्रोडक्ट होते हैं उन पर क्वालिटी के नाम पे जो है उनको बैन कर देती है, क्योंकि सस्ते तो होते हैं लेकिन उन्हें क्वालिटी के नाम पे डाल देते हैं, तो वो नॉन टैरिफ बैरियर भी चले जाएंगे। तो फार्मास्यूटिकल कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, इन सारी चीज़ों को पुश मिलने वाला है। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। हमारा लास्ट आर्टिकल है द सीए रूल्स अनपैक्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम सीए के जो रूल्स रिसेंटली नोटिफाई किए गए हैं राजपत्र में, गैजेट में, उसकी बात करेंगे। कौन लोग एलिजिबल हैं फर्स्ट, और फिर उनको जो लोग एलिजिबल हैं उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाने पड़ेंगे, तब उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। इस रूल्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। कौन सी अथॉरिटी होगी जो उनकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगी, उसके बारे में भी बात की जाएगी। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या फिर सरकार जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो भी इस तरह के कई सारे जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो कि इंडिया में आते हैं, इंडिया में पनाह लेते हैं, उन्हें सिटीजनशिप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस पे भी चर्चा की जाएगी। ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि स्टेट का क्या से है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, इन लोग बोल रहे हैं कि हम सीए इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो क्या इनके पास ये अथॉरिटी है, क्या इनके पास पावर है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले सीए के बारे में समझ लेते हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 2019 में लाया गया था, लेकिन सरकार ने रूल्स नोटिफाई नहीं किए थे, इसलिए पिछले 4 सालों से इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक, जो कांग्रेस है या फिर अपोजिशन है उनका ये मानना है कि सरकार ने रूल्स अभी इसलिए लाए हैं क्योंकि चुनावी माहौल है और वो सोसाइटी पोलराइज करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों से हमें है ना अलग रहना है, हमें जो मुद्दे वाली चीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के लिए, उस पर हम सिर्फ फोकस करेंगे। ठीक, तो बेसिकली जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या क्या चीज़ें थी पहले उसको देख लेते हैं। सीए के थ्रू 1000 ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये टोटल जो 6 रिलीजन के लोग हैं इनको बेनिफिट मिलने वाला है। इन ये जो रिलीजन के लोग कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर इनकी सिटीजनशिप होनी चाहिए, 3 कंट्री से ये इंडिया में माइग्रेशन करके आना चाहिए। कौन सी 3 कंट्री से? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। इसका मतलब यहाँ रहने वाले ये 6 रिलीजन के लोग अगर इंडिया में आ जाते हैं 2014 दिसंबर 31 के पहले इंडिया में आके रह रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो इंडिया में उनको सिटीजन देने के प्रावधान किए जा रहे हैं इस एक्ट के अंदर। ठीक, तो ये आपको क्लैरिटी आई कि कौन कौन से रिलीजन हैं, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड हिंदू। इसमें मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया है, और इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि ऑलरेडी ये जो कंट्रीज़ है वो इस्लामिक कंट्री है, तो उनका पर्सिक्यूशन होगा नहीं। ये लोग है ना, ये एज्यूम किया जा रहा है कि जो लोग इंडिया में इस धर्म के आ रहे हैं वो लोग रिलीजियसली पर्सिक्यूटेड हो रहे होंगे, उन्हें सताया जा रहा होगा उनके रिलीजन के कारण, इसलिए वो इंडिया में पनाह ले रहे हैं और इसलिए उनको सिटीजनशिप देना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने ये अमेंडमेंट एक्ट लाए। ठीक, ये हमारा क्या था, सीएए जो एक्ट था उसके बारे में हो गया। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो 5 से 11 आर्टिकल में दिए हैं, और केवल केंद्र और केंद्र सरकार के पास अथॉरिटी है सिटीजनशिप देने की, स्टेट गवर्नमेंट का कोई से है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन 5 से 11 आर्टिकल में कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो आपको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, आपको अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपको चीज़ें पूछी जा सकती है, सीए से रिलेटेड आएगा तब भी ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप जो है कौन से किसके सब्जेक्ट में आ रहा है, तो यूनियन स्टेट का इसमें कोई ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है। और इंडिया में जो सिटीजनशिप होती है वो सिंगल होती है, डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उन्हें हम एज अ डुअल सिटीजनशिप कंसिडर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कंसिडर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर सिंगल सिटीजनशिप ही डालेंगे। अगर आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो लेकिन आप सिर्फ नागरिक कहाँ के कहलाते हैं, भारत के कहलाते हैं, तो स्टेट का से ना के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे टर्म की क्लैरिटी आ जाएगी। सब
क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन कैन बी अ फॉरेनर इफ ही होल्ड्स, पर्सन जो है फॉरेनर हो सकता है अगर उसने होल्ड कर रखा है OCI कार्ड। नेक्स्ट है आधार कार्ड, ठीक है, फॉरेनर और इलीगल माइग्रेंट्स भी बोल सकते हैं, एंड इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक, नेम इन NPR लिस्ट, नेम इन NRC लिस्ट, और अगर वो NRI है तो, ठीक, इन पांच केसेस में पर्सन कैन बी अ फॉरेनर और इलीगल माइग्रेंट। अब आपको बताना है कि क्या क्या हो सकता है। सो फर्स्ट क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो कार्ड है जनरली फॉरेनर्स ही होल्ड करते हैं। जनरली कौन होल्ड करता है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो कि बाहर सिटीजनशिप ले लेते हैं, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं US में, है ना, फिर आप वहाँ पर रहते रहते वहीं की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आपको OCI कार्ड मिल सकता है। आप जनरली फॉरेनर बन जाते हैं लेकिन आपका ओरिजिन कंट्री क्या रहती है, इंडिया ही रहती है, तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जनरली उनको OCI कार्ड इशू किया जाता है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, वो हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो OCI कार्ड होल्डर फॉरेनर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो वो भी जो है माइग्रेंट हो सकता है। आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं देता है, इसका मतलब अगर किसी भी पर्सन के पास आधार कार्ड है तो वो फॉरेनर भी हो सकता है, वो इलीगल माइग्रेंट भी हो सकते हैं। कई बांग्लादेशियों के पास ये देखने को मिलता है जो इलीगल माइग्रेंट होते हैं। नेम इन NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नाम है तो वो फॉरेनर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इन तीनों केसेस में अगर ये तीनों चीज़ हैं उसके बावजूद भी आप लोग फॉरेनर कहला सकते हैं। नेक्स्ट, नेम इन NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, अगर इसमें नाम है तो आप इंडियन कहलाएंगे और आप फॉरेनर नहीं कहलाएंगे। एक बार अगर इंडिया की सिटीजनशिप प्रूफ होगी तो आप फॉरेनर कैसे कहला सकते हैं। और नेक्स्ट NRI यार इंडियन सी होते हैं जो 180 दिन से ज़्यादा जो है इंडिया में नहीं रह पाते हैं, कम से कम 180 दिन रहना रहता है, वो इंडिया में नहीं रहते हैं इसलिए नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाते हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी सिटीजनशिप इंडियन ही होती है। तो ये भी इंडियन होंगे, ये भी इंडियन होंगे, लेकिन शुरू के तीन जो है क्या हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं। अब NPR की बात कर लेते हैं, NPR होता क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक, सबसे पहले 2010 में इसे कलेक्ट किया गया था, 2015 में इसे अपडेट किया था इस रजिस्टर को। तो ये रजिस्टर है बेसिकली, आपकी जो कॉपी के रजिस्टर होते हैं उसी तरीके से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो यूजुअल रेसिडेंट्स हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं उनको काउंट किया जाता है, उनके नाम प्रॉपरली लिखे जाते हैं। कौन से रेसिडेंट्स होंगे उसमें, जो पिछले छः महीने रह रहे होंगे या फिर अगले 6 महीने रहने का प्लान कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी सरकारी बाबू जाएगा और किसी भी पर्सन से पूछेगा कि आप यहाँ पर 6 महीने से रह रहे, बोलेगा नहीं नहीं, लेकिन आप अगले 6 महीने रहने वाले, हाँ बिल्कुल रहने वाला हूँ, तो उसका नाम यहाँ पर इसमें रजिस्टर में आ जाएगा। अगर 6 महीने से रह रहा है तो भी रजिस्टर में आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो रेसिडेंट्स होते हैं जो रह रहे होते हैं उनका नाम का एक रजिस्टर होता है जो कि NPR होता है। समझ में आया क्या, जो रजिस्टर हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रूल्स 2003 में जो बनाए गए हैं उसके हिसाब से ये हम NPR प्रिपेयर कर रहे हैं। 2010 में फर्स्ट टाइम इसमें इसको प्रिपेयर किया गया था, 2015 में इसे अपडेट किया गया था। इसमें फॉरेनर इंक्लूड होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर यहाँ पर रह रहे हैं, अगले 6 महीने भी रहेंगे, पिछले 6 महीने भी रह रहे हैं, तो उनको भी इस रजिस्टर में इंक्लूड किया जाएगा जो मैंने ऊपर बात की थी, ठीक है। जब भी रजिस्टर बनेगा तो सारे जो भी जितने भी रेसिडेंट होंगे उनके लिए मैंडेटरी होगा इस रजिस्टर में अपने आप को, है ना, अपनी इन्फॉर्मेशन देना, तो सबके लिए ये मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपके बायोमेट्रिक्स को भी क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जा सकता है NPR के अंदर, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्या है, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक, 2003 में सिटीजन अमेंडमेंट जो सिटीजन रूल्स लेकर आए थे उसमें जो है एक प्रोविजन था कि NPR बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, आपकी NRC, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जा सकता है, ठीक। सबसे पहले जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन था वो कब प्रिपेयर किया था, 1951 के सेंसस के बाद से। इसके अलावा असम अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था। असम अकॉर्ड क्या था यार, उस समय 1971 में बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया आ गए थे और असम में आके बस गए थे, जो इंडिजिनस असमी पीपल हैं
उन लोग बहुत चिंतित हो गए थे। उनको ये डर था कि उनकी डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, जो इंडिजिनस पीपल का कल्चर है वो खतरे में आ सकता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद आसू जो कि स्टूडेंट यूनियन था प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था असम अकॉर्ड, और इसमें बात की गई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने की, एक कट ऑफ डेट के हिसाब से जितने भी उस डेट के पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको सिटीजन माना जाएगा और उसके बाद के लोगों को इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। उसके बाद ये NRC हुआ नहीं कई सालों तक। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये NRC जो एक्सरसाइज है उसे कंडक्ट किया गया। ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं थे और NRC लिस्ट से वो बाहर हैं। इसका मतलब वो देश के नागरिक नहीं हैं और असम में वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। 1.9 मिलियन ऑलमोस्ट 20 लाख लोगों की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये बेसिकली आपका आपको बताता है कि आप सिटीज़न हैं। ये एक रजिस्टर है जो देश में जितने भी नागरिक हैं उनको सारे उन नागरिकों को उस रजिस्टर में काउंट किया जाएगा, उनकी उनको लिखा जाएगा। ये बेसिकली NRC है, ठीक। NRC प्लस CA थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था उस समय, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था क्योंकि ये साथ में देखा जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जो है एक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, एक मालाफाइड इंटेंशन से मुस्लिम के अगेंस्ट में किया जा रहा है, ऐसी जो है इस तरह की उस समय जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो चीज़ें चल रही थी। हम लोग CA को अलग से देखेंगे, अकेले देखेंगे NRC से अलग होकर के, तो आपको उतना डिस्प्यूटेड फील नहीं होगा अगर किसी को डिस्प्यूटेड लग भी रहा था, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है हमारा, जो बेसिक आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं, ठीक। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। अब सिटीजनशिप किसको दी जाए और किसको ना दी जाए, उसके पास जो इलीगल माइग्रेंट है उसके पास डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए तभी तो, जब तक कि वो ये नहीं बता देता कि जो उसकी कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन कौन सी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, उसको हम नहीं दे सकते क्योंकि सिर्फ तीन ही कंट्री के इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग सिटीजनशिप दे रहे हैं। उसके अलावा उनका रिलीजन भी इम्पॉर्टेंट है, मुस्लिम नहीं होना चाहिए, बाकी जितने रिलीजन है उसी रिलीजन के होना चाहिए, उसका भी एक उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा चूँकि एलिजिबल मतलब एक डेट बना दी गई है 31 दिसंबर 2014 के पहले इन लोगों को इंडिया में आना है, तो उनको बताना भी पड़ेगा कि इनकी एंट्री कब हुई, उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा। और अगर इनको कोई भी इंडियन लैंग्वेज का जो शेड्यूल 8 में है उसका अगर नॉलेज है तभी इनको क्या मिलेगा, सिटीजनशिप इंडिया की मिल सकती है। ये चार चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। इसके अलावा जो CA एक्ट है उसमें जो पीरियड ऑफ सिटीजनशिप जनरली पहले चाहिए होती थी वो 11 साल चाहिए होती थी, लेकिन इस तरह के है ना जो रिलीजियसली पर्सिक्यूटेड लोग हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको 5 साल के भीतर ही ये सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अगर वो 5 साल यहाँ पर रह चुके हैं तो उनको ये मिल जाएगी। अब 2000 कट ऑफ डेट थी तो 5 साल 2019 में हो गए, तो 2019 में जितने भी लोग 2014 के पहले सबको जो है सिटीजनशिप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्रूफ चाहिए होगा कंट्री ऑफ ओरिजिन को इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हैं लोग, इसको उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। बड़ा रिलैक्स कर दिए अब है ना, पहले वीज़ा वगैरह लगता था, वैलिड रेसिडेंशियल परमिट जो इंडिया में आने के बाद उसकी एक कॉपी लगती थी, ये परमिट दिया जाता था उसकी कॉपी भी नहीं लग रही है, वैलिड पासपोर्ट मांगा जाता था वो भी नहीं लग रहा है। अब एकदम आसान कर दिया, एकदम कुछ भी आपको ऐसा आए ना एकदम ईजी सा रिलैक्सेशन सा तो भी उसको मान लेना हाँ ये कर सकती है सरकार, एकदम ईजी कर दिया ताकि आसानी से लोगों को सिटीजनशिप दे पाए। जैसे कि अगर मान लो कि कोई टेनेंसी रिकॉर्ड है या फिर कोई आपके पास लाइसेंस भी हो उस कंट्री का तो भी काम चल जाएगा, किसी भी तरह का आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट उस कंट्री का काम चल जाएगा, वो सफिशिएंट होगा कि आप वहाँ के सिटीजन हैं। दूसरा, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स अगर उस कंट्री में रह रहे हों तो भी वो सफिशिएंट होगा, अगर उससे रिलेटेड डेटा भी आपने दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये एडमिसिबल होंगे इवन बियॉन्ड देयर वैलिडिटी पीरियड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए 8 शेड्यूल की, कम से कम एक लैंग्वेज आना चाहिए। और उसके लिए पहले ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते थे है ना, सर्टिफिकेट लगता था कि आपको ये लैंग्वेज आती है, लेकिन अब जो है कुछ नहीं, अब आपको सिर्फ एक लैंग्वेज बोलते आना चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं 8 शेड्यूल की कोई भी लैंग्वेज तो आपका काम वहीं खत्म। नेक्स्ट क्या है,
डेट ऑफ एंट्री के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी। लगभग 20 डॉक्यूमेंट रूल्स में लिस्ट किए गए हैं। और कौन कौन से, या तो वीज़ा मिल जाए, रेसिडेंशियल परमिट जो कि इशू करता है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस इंडिया में, जब बाहर से आते हैं तो इंडिया में फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस एक रेसिडेंशियल परमिट जो है इशू करता है। अगर ये मिल जाए तो बेस्ट है, उसमें डेट मिली जाएगी। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इंडिया में आके बहुत सारे लोग रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, ये सारा इशू हो जाता है उनके नाम से, उसको भी दिखा दें। उसमें जो डेट होगी, अगर 2014 के पहले की है तो पता चल जाएगा कि आप पहले आए हैं। इसके अलावा कोई भी लेटर इशूड बाय गवर्नमेंट और कोर्ट, उसमें कुछ डेट देख लें। मतलब बेसिकली ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसमें 2014 के पहले की डेट हो और इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया में उसे इशू किया गया हो, पैन कार्ड हो सकता है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट दिया गया हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, PSU के द्वारा, बैंक के द्वारा, या फिर कोई आपको आप अर्बन जो लोकल बॉडी है उसके किसी इलेक्टेड मेंबर ने कोई सर्टिफिकेट इशू किया हो, ये सारे के साले आपके क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे इस पे। अगर ये है आपके पास तो आपको डेट ऑफ एंट्री इस्टेब्लिश हो जाएगा। एक बार इसको रीड कर लेना यार, इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड कर दिया। इवन स्कूल आपका बच्चा जा रहा है तो उसमें आपने कब दाखिला दिलाया है इंडिया में आकर के, तो वो भी आप दे सकते हैं। जो यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके पास कोई बिल पड़ा हो सिलेंडर लेने का, तो वो भी 14 के पहले का वो भी चल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु विल बी इन चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन ऑफ सिटीजनशिप। जो केरला है, वेस्ट बंगाल है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने रूल्स को इस तरीके से ट्वीक किया है कि इनके पास ज़्यादा से बचा ही नहीं है। ये ना ही एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाले, ना ही इसमें सिटीजनशिप देने के इनके पास कोई पावर रहेगी। पहले जनरली ये होता था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था वो एप्लीकेशन प्रोसेस करते थे, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ किसके अंदर होता था, स्टेट गवर्नमेंट के। लेकिन न्यू रूल्स में एम्पावर्ड कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को इंस्टीट्यूट किया गया है। इसका काम क्या है, जो एप्लीकेशन होगी वो DLC में जाएगी, और जो फाइनल डिसीजन लेगा वो कौन लेगी, एम्पावर्ड कमेटी लेगी। अब एम्पावर्ड कमेटी को अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन से लोग हैं, इट विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर सेंसेस ऑपरेशन। सेंसेस ऑपरेशन का जो डायरेक्टर होगा वो इसे हेड करेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मेंबर ऑफिसर होगा इसमें, जो कि एज अ मेंबर पर्सन काम करेगा। इसके अलावा FRRO का एक मेंबर होगा जो कि इसमें इस कमेटी में रहेगा। स्टेट इंफॉर्मेटिक ऑफिसर होगा NIC के अंदर, है ना, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स ऑफ वो है सेंटर, उसके अंदर स्टेट का जो ऑफिसर होगा वो भी इसका मेंबर होगा। पोस्ट मास्टर जनरल होगा जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री के लोगों को इसका मेंबर बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट से भी जो होम डिपार्टमेंट है वहां से भी रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया गया है मेंबर में, और रेलवे से भी इन्वाइटीज को बुलाया गया है कमेटी में। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में प्लस स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मेंबर इंक्लूड किए गए हैं। DLC की बात करते हैं, उसमें जो है DLC में कौन कौन से मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, ये जो है इसका DLC के मेंबर में आएंगे। उसके अलावा 2 इनवाइटीज होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से होंगे, ठीक है। 2 इनवाइटीज नायब तहसीलदार या उससे इक्विवेलेंट या उससे ऊपर के रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से रहेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवेज के जो स्टेशन मास्टर हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो DLC के बारे में कौन कौन से मेंबर होंगे, एम्पावर्ड कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, क्या ये पहली बार हो रहा है कि सरकार जो है इस तरीके से जो प्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज है उसे एड्रेस कर रही है, तो नहीं, ऐसा पहली बार नहीं है। पिछली सरकारों ने भी कई सारे रेफ्यूजीज जो आए थे उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ास प्रोवाइड कर दिए थे या फिर सिटीजनशिप प्रोवाइड की थी। पहली स्टेप 2002 में लिया गया था जब राजस्थान स्टेट ने रिक्वेस्ट की थी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी से कि जो डिफ़िकल्टीज हो रही है जो पाकिस्तानी हिंदूज को और जो इंडिया में आ रहे हैं उस साइड से, उनको वीज़ास देने की और सिटीजनशिप देने की। उसके बाद 2004 में अटल बिहारी जो वाजपेयी की सरकार थी उन्होंने सिटीजनशिप रूल्स में चेंजेस किए, अमेंडमेंट किए, और सर्टेन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस को राजस्थान और गुजरात के यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको पावर दे दी गई कि इन लोगों को लॉन्ग टर्म वीजास या फिर सिटीजनशिप ग्रांट की जानी चाहिए, है ना, कंपैशन के ग्राउंड पे। उसके बाद
प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने है ना, उन्होंने भी इसी तरह की स्टेप्स ली थी और लॉन्ग टर्म वीज़ास प्रोवाइड किए थे जो भी पाकिस्तानी नेशनल के लोग यहाँ पर बहुत समय से रह रहे थे है ना, लेकिन वो जनरली हिंदू ही थे, हिंदू थे और सिख थे, ठीक। तो हिंदू सिख फ्रॉम द पाकिस्तान वर एलिजिबल अंडर दिस पॉलिसी। इसमें जो कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर 2009 रखा गया था, ठीक। बस इसमें एक ग्राउंड एक्स्ट्रा था। एक ग्राउंड एक्स्ट्रा क्या था? केसेस इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम कंपैशन। अगर बहुत ज़्यादा कंपैशन वाले केसेस हैं तो उसमें किसी भी रिलीजन के लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप दे जा सकती थी, चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी। और पाकिस्तानी महिलाएँ जो कि इंडिया में आके है ना शादी कर लेती हैं, उनको भी सिटीजनशिप देने का प्रावधान था। जैसे कि अभी वो सचिन वाला चल रहा था ना है ना, उसमें जो महिला आई है उसको भी सिटीजनशिप मिल सकती है। इस बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के समय जो प्रावधान थे, एक बस एक्स्ट्रा ये था, केसेस इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम कंपैशन। 2014 में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने हिंदू सिख क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट माइग्रेंट को जो कि पाकिस्तान से आ रहे थे उनको लगातार सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया। आसानी से जो है उन्हें सिटीजनशिप देना जाने लगा। और उसके बाद 2018-19 में तो सरकार ने एक्ट ही बना दी, ठीक है। तो एज सच अगर देखें तो सारी गवर्नमेंट, चाहे प्रीवियस कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब लोग ये काम कर रहे थे। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया एनआरसी के साथ में लिंक करने के कारण, लेकिन अगर हम अलग अलग देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा बोल सकते कि आप जोड़ सकते थे, जो कि यहाँ पर जोड़ा गया था, जो कंपैशन वाला, एक्सट्रीम कंपैशन वाला पार्ट है, इसमें सारे लोगों के लिए खुल जाता, भले सरकार ये दे ना दे, लेकिन एक ये इंक्लूसिव हो जाता है। बाकी तो ओवरऑल देखें तो सीए बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट जो भी इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर्सिक्यूटेड लोग हैं, उनको सिटीजनशिप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इंडिया में रह सकें और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन और अच्छी अच्छी जो है लाइफ प्रोवाइड कर सकें। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।